ये मेरे चचा हैं, इन्हें मेरे से क्यों लड़वा रहे हो भैया? मेरे चचा हैं, मेरे चचा को मेरे से क्यों लड़वा रहे हो आप? मैं और मेरे बच्चे और चचा के बच्चे एक साथ खाना खावे। अंधकूप का मुख्यमंत्री बनाओगे? जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री बनाओगे? कार्यकर्ता काम में पड़ के दिखाओ, वोट मांगने तो जाएंगे ना जान दे बहिष्कार। योगी सरकार नहीं आएगी यूपी में, हमारा भगवान हो गया, योगी भगवान है क्या? जातिवाद भला का वोट मांगे, पुलिस मोदी की, कैमरा मोदी का, ठीक है ना भैया? आम आदमी क्या करेगा? अभी मैं कुछ कह दूंगा थाने से दरोगा का मुझे ठक ले जाएगा। एक बर्बाद कर दिया, सारा धंधा बेच दिया। किसने? इन्हें मोदी ने। मेरा मानना है मीडिया अपना काम ईमानदारी से करे ना, तो योगी की है ना 55 सीट लाने के। बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे जयंत चौधरी को? आशीर्वाद को आशीर्वाद मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा, जीतेगा। मिलने की बात कर रहे हैं, जीतेगा भैया। हाँ, इन्होंने तो देश बर्बाद कर दिया, सारा धंधा बेच दिया। किसने? इन्हें मोदी ने। देश ऊपर जा रहा है, देश जा, लाल किला तलक कब तलक बेच दिया, कंपनी जन कितने बेच दी, और बेच दी हमारे दो दौरे की। गन्ने गन्ने का पेमेंट वगैरह आया? पेमेंट 5 महीने का रह रहा है, 5 महीने का नहीं आया। और हर बेहतर पर बात बताए, इसने योगी ने तो गंगा जी भी झूठी बना दी, इसने जल में कसम खाई, इसने जल में बढ़कर पेमेंट दुआ में 14 दिन में। माहौल क्या है, माहौल बताइए यूपी का माहौल क्या बताओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद चौधरी, जिंदाबाद चारू बब्बी, चारू बब्बी। नारे लग जाएंगे, नारे आप पार्टी के कार्यकर्ता है, नारे लगाइए। क्या लगता है बीजेपी जो दावे करती है कि हमने गाँव में हर जगह यूपी में काम कुछ नहीं करा, सब लोगों को भगा रहे, कुछ नहीं कर रहे। जयंत चौधरी युवक का आने वाले 22 में जयंत चौधरी घोषणा करेगा, किसान को 12,000 रुपए देगा, 15,000 देगा, सरकार आवेगी जयंत की, जयंत को मुख्यमंत्री बनाओगे? जयंत को मुख्यमंत्री बनाओगे? हाँ, जयंत को मुख्यमंत्री बनाओगे? जयंत चौधरी को मुख्यमंत्री बनाओगे? चौधरी को कोई रोकने वाला पैदा नहीं है, जयंत चौधरी सन 2022 में कोई भी रोकने वाला नहीं है, जयंत चौधरी की सरकार आएगी, जयंत चौधरी, जयंत नारे नारे। हाँ भैया, सबसे बड़ी बात यह है, मीडिया को भी सच्चाई इस देश की पब्लिक के सामने लानी पड़ेगी। आपको पता 90% मीडिया मोदी की फंडिंग से इस देश में जी रही है। गैस सिलेंडर दिए, कौन भरवा रहा भैया 950 रुपए का भरवा रहा? स्कूल खुले खुल रहे, स्कूल को फीस दे रहे हैं, किसानों की दुर्गति हो रही है भैया। भैया सही बात पूछा पब्लिक में। अच्छा एक बात बताओ, मेरा सवाल सुनो, मैं अगर कहूँ पीछे होइए, अगर मैं कहूँ ये कैमरा आपका है, माइक आपका है, आपको जो कहना है, सवाल ये है कि क्या बीजेपी जो दावे कर रही है कि हमने यूपी में 4.5 साल में बढ़िया काम किया है, वो आपको जमीन पर नजर आते हैं? भैया क्या बढ़िया काम करा? आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप ज्यादा माइंडेड हो, आप ही बता दो, कुछ काम नहीं करा बीजेपी ने, कुछ काम नहीं करा, धर्म की लड़ाई लड़वा रही है। अगर आप बात करोगे ना किसान की, मजदूर की, तो सेना की बात कर देगी या धर्म की बात कर देगी? धर्म पे आदमी विचलित हो जाए, भावुक हो जावे। इस बार ये मुद्दा चलेगा यूपी चुनाव में? पूरा चल रहा है, धर्म वगैरह मुद्दा चलेगा? धर्म का मुद्दा कोई नहीं मानेगा, धर्म का मुद्दा कोई नहीं मानेगा। सब रोटी चाहिए, ये मेरे चचा हैं, इन्हें मेरे से क्यों लड़वा रहे हो भैया? मेरे चचा हैं, मेरे चचा को मेरे से क्यों लड़वा रहे हो आप? मैं और मेरे बच्चे और चचा के बच्चे एक साथ खाना खावे, योगी क्यों अलग करवा रहा अभी हमारा खाना? योगी क्या हमारा भगवान हो गया? योगी भगवान है क्या? जातिवाद भला का वोट मांगे। मेरा मानना है मीडिया अपना काम ईमानदारी से करे ना, तो योगी की है ना 55 सीट लाने के। मीडिया पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं आजकल, मैं कहता हूँ माइक आपका है, कैमरा आपका है, सवाल मेरे हैं। हमारा कैमरा नहीं है, पुलिस मोदी की, कैमरा मोदी का, ठीक है ना भैया? आम आदमी क्या करेगा? अभी मैं कुछ कह दूंगा थाने से दरोगा का मुझे ठक ले जाएगा। क्या कह रहा है योगी के बारे में, क्या कह रहा? इतना तो नहीं है, इतना ही है यार। लखीमपुर खीरी ना देखी, उनका बेटा तो गिरफ्तार हो गया। अरे वो कहाँ गया भैया? एक बात तो बताओ, माल्या मैंने किसी का सिर फोड़ दिया, पुलिस मेरे घर जाएगी, मैं नहीं मिला, मेरे बच्चों को उठा लाएगी, मेरे चाचा के लड़के को उठा लाएगी, तो भैया वो क्यों उठाया? उनके लिए तो सबूत चाहिए, आम आदमी के लिए जेल चाहिए, ये कौन सी सरकार है भैया? क्या ये कहा जा रहा है कि जो बॉर्डर पर किसान बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो राजनीति करते हैं? राजनीति कर रहे हैं भैया,
सरकार क्या कहेगी, राजनीति तो कहेगी, मोदी जी ने बात सुनी उनकी, योगी जी ने बात सुनी, राकेश टिकैत के हाथ जोड़ लिए, तो भैया फैसला करवा दे। फैसला क्यों हुआ, देश में आग न लगे, देश में सबसे शांत रहे हमें। अब देख लेना, आप कश्मीर मुद्दा उठा देंगे, आप कश्मीर मुद्दा उठा देंगे, कश्मीर मुद्दा। चलिए मैं अब खत्म करता हूँ। माहौल क्या है, क्या यूपी में परिवर्तन होने जा रहा है? मैं भैया पूरा परिवर्तन हो रहा है, पूरा परिवर्तन होगा, पूरा पूरा परिवर्तन होगा। जैन चौधरी परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन पूरा 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 परिवर्तन करेंगे। यूपी योगी सरकार नहीं आएगी यूपी में। नहीं, सवाल मेरा सुन, मजदूर सब एकता है। सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल यही रहेगा कि परिवर्तन होगा या नहीं होगा? परिवर्तन ना होगा, नहीं होगा, परिवर्तन होगा, लोकतंत्र होगा, हाँ नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, बीजेपी आएगी नहीं आएगी? सवाल तो सुनो यार, परिवर्तन होगा, भैया ऐसी बात सुनो, जब ये एक मिनट, जब ये जनता किसान मजदूर सब परेशान है तो ये बदलेंगे नहीं, अच्छे नेता देखेंगे नहीं? जय जैन चौधरी हैं, ये हैं, इन्होंने कितनी महंगाई कर दी थी। यहाँ पर लगातार हम लोग यहाँ पर सर्वे कर रहे थे, जानने की कोशिश करके दिखा दो मंत्री में जिसमें हिम्मत है बीजेपी में कार्यकर्ता, वो गांव में पढ़ के दिखाओ। वोट मांगने तो जाएंगे ना, ना जान दे, बहिष्कार बहिष्कार। हम बताए यहाँ पर, हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि यूपी में माहौल क्या है, पश्चिमी यूपी में मौजूद है जैन चौधरी की यहाँ पर सभाएं हो रही हैं, अब देखना यही होगा कि यूपी में माहौल क्या है। लोगों का सीधा कहना है कि इस बार धर्म का मुद्दा नहीं चलेगा, काम पर वोट डलेगा और वोट उसे ही मिलेगा जो काम करके दिखाएगा, जनता के दिलों में विश्वास बनाएगा, काम बोलेगा जिसका उसी को वोट डलेगा। अब आने वाले समय में चुनाव है, देखना यही होगा कि पश्चिमी यूपी क्या बोलता है। नमस्कार।